ये चीज जो आप देखें इसका यही जो है ना, ये वाह जी वाह, ताज वाला है, क्या बात ये है, बड़ा जबरदस्त हमला किया हुआ है। नहीं यार हमारी कहाँ से, ये तो जख्मी है बहुत सीरियस, ये दे उखाड़ी हुई है। अब उन्होंने किया क्या, किया है कि ब्लेड लिया, ब्लेड से उसका पोर्ट तो जो है ना यहाँ से काटा है। अच्छा मुर्गी जिबानी की, मुर्गी जिबानी की पोर्ट काटा है। पोर्ट काट के तो जनाब अंदर से पूरा पोर्ट खोल के अंदर से अपनी रिंग निकाली है। आपको पता है मोहम्मद भाई लाहौरिये जो होते हैं जिंदा दिल होते हैं, बिल्कुल ये होते हैं, उनको बोलते हैं जिंदा दिलाने लाहौर है। अभी तक चंद लाहौरिये ने हमारा चैनल देखा, जब भाई कहते हैं सही लाहौरिया, सही लाहौरियों ने जब हमारा चैनल देखना शुरू किया ना, तो फिर देखना कि उन्होंने फिर यानी कि चैनल को कैसे कैसे पहुंचा देना। यार मुंसर क्या कर रहे हो, आज आप मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखा दो। नहीं आप नहीं चला सकते यार। चला सकता, मैंने इतनी वीडियो देखी, इतने बच्चे चलाते हैं ट्रैक्टर। यार आप ऐसे करो, वो अभी आना है मोहम्मद भाई ने, ठीक है मौलवी साहब ने, तो वो आज सरप्राइज लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, तो नीचे आओ इधर, वो आने वाले हैं। देखो देखो आके देखो, आ गए हैं भाई, क्या है, लगता मुझे सरप्राइज आ गया कोई। आज तो चाचू सुपरमैन भी, मैं ठीक ठाक, लगता चाचू सुपरमैन भी साथ ही आए हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं मुसब भाई आप, ठीक हैं जी? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र फर्स्ट का जी, क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। अच्छा मैंने कहा आज आपके लिए वो मैं लेके आया था कुछ कबूतर, कोई फैंसी किस्म के ना, वो लेके आया, वो आपको सरप्राइज लाए हैं। हाँ जी बिल्कुल, लगता है व्यूअर्स को काफी दिन हो गया कोई चीज नहीं आई नहीं है। अच्छा हम क्यों ना कोई चीज नहीं आज जो है ना वो प्रेजेंट करें सामने। यार क्या बात है यार, देखे इनके सर के ऊपर देखे ताज, देखा आपने, जबरदस्त अच्छा सरप्राइज मिला भाई, व्यूअर्स हमें नहीं पता था कि भाई लेके आ रहे हैं यार, गाड़ी लाए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई आपके लिए कुछ चीज लेके आऊं, बाहर आओ तो आके हम जो है ना ये चीज देखें। ये गोले वाले भाई हैं, गोले वाले मौलवी साहब, गोले वाले नहीं है भाई, वो पेंट करने वाले भाई हैं। वैसे जिस दिन ये आते हैं उस दिन वीडियो बड़ी चलती है, ये तो है, वो देखा वो मिलियन में चलेगी वीडियो। ये क्या नाम है, पैर है जी? हाँ ये पैर है, चलें इनको देखते हैं जी, रंग लगा हुआ, ये है मादी है। अच्छा फीमेल है और वो जी मेल है, मेल है। क्या बात, कौन सा मेल है, वाइट वाला मेल है, ये कहाँ से खुलता है, ये सामने खुलेगा, तार लगी हुई है, लेकिन इसको अंदर जाके छोड़ देना और आगे उड़ जाए, ठीक है अंदर जाके खोलते भाई, यार देखने तो देना भाई, बाहर निकल के मोहम्मद भाई सरप्राइज लेके आए हैं तो फिर ऐसे थोड़ी होता है, अंदर जाके व्यूअर्स को दिखाते हैं। मैं तो मुंसर को ट्रैक्टर सिखाने वाला था, ये देखो अभी ये चीज जो आप देखें इसका ये जो है ना, ये वाह जी वाह, ताज वाला है, क्या बात है, बड़ा जबरदस्त डालता है पैले वगैरह ना। अच्छा और ये देखे कटा हुआ नहीं है, बिल्कुल सही है, उड़ता है, ये बड़ा उड़ता है, रखें अपनी नहीं, जब तक फीमेल नहीं उड़ेगी ना तब तक मेल नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, देखते हैं उधर उधर लॉन में छोड़ते हैं, आपके घर की पक्की होगी ना, मेल कहीं नहीं जाना वाला ना कर यार। हाँ तो इस तरह इसके पैर का ये सिस्टम होता है। अच्छा आप अगर कहते हैं ना आपका ये पैर उड़े, फीमेल के परों को बांध दे, काटे ना, टेप लगा दे परों को, दो तीन पर इकट्ठे करके जो बड़ी कलियां होती है उसको टेप लगा दो, तो आप तजर्बा करके चले यार, मेल उड़ेगा नहीं, हमको गाड़ी बंद करने दो, हमने भी एक्सपेरिमेंट किया है, हमारे घर में भी ये वाले हैं। वाह जी वाह मुस्तफा भाई, हमारे पास तो मजे हो गए, ये देखें दो हमारे पास ये आ गए हैं, लगे कबूतर, दो फ्रिल बैक कबूतर, उनका जोड़ा लग गया, अब तो ये अंडे देंगे, वहाँ पर बच्चे आएंगे, मजा आएगा बहुत ज्यादा। यार ये तो नाचेंगे ऐसे ऐसे करके, हाँ ये बहुत प्यारा नाचते हैं कि गर्दन ऐसे ऐसे हिलती होगी, हाँ जी ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत प्यारा, लॉन में छोड़ते हैं, बोलते भी बहुत प्यारा है, पक्की बात है, चला छोड़ते हैं, पकड़ा नहीं आ रहा। यार मुंसर क्या कर रहे हो, कबूतर छोड़ने लगे पिंजरे, किधर है ये वाले पिंजरे में, चलो छोड़ो, लो जी ये आपने मेल छोड़ा है, हाँ जी लो जी मेल है, ये जी इसकी फीमेल है, अच्छा ये फीमेल है, ये फीमेल है, तो ये फीमेल देखो काटी हुई उन्होंने कि ये उड़े ना, उसके मेल के पीछे यानी कि चलो अभी अब ये ब्रीड करेंगे, वेलकम टू न्यू होम, ठीक है जी, आपका अपन हाँ अपने नए घर में आ गए हैं, तो अब इनको आस्ता खुश हो जाओ भाई जान, देखेंगे ना अब हमारे ये वाले भी है ना, ये वाले तो जो है ना वो फैंसी है ना, तो ये भी फैंसी हैं, हमारे पास दो हो गए जोड़े हैं, न्यू एंट्री होगी, ब्लैक किधर है वो, ये मैं कबूतरों को पानी रखने लगा, अभी भी आए तो उन्हें प्यास लगी हुई थी, मैं पानी साफ लेना है,
पानी फिर नल का खोलना पड़ेगा वहाँ नहीं यहाँ से लो ऊपर से ऐसे कर लो थोड़ा सा हाँ चलो ले लिया साफ पानी। यार नहीं साफ नहीं है यार ये देखे ना इसके अंदर वो गिरा हुआ है यार ये देखो ना ओ हो मरा चलो भाई नए कबूतरों को डालो जाके भाई क्या मशवरा हो रहा है ना क्या नाम है वो प्लानिंग कर रहे हैं जी हम लोग यहाँ पे वो जो है ना रैपिड के लिए क्योंकि बनी वगैरह हमारा लेने का प्रोग्राम है तो हम ये चाह रहे हैं कि इसके लिए ना वो घर बेहतरीन सा घर जो है उसके लिए बनाए और उसकी बस प्लानिंग कर रहे हैं कि यानी कि रैपिड आने वाले हैं इंशाल्लाह वाइट रैपिड होगा रेड आइस वाला ना करें सुरख होगी और फुल वाइट होगा अच्छा पहले हम लेने की ना प्लानिंग कर रहे हैं और इस घर को सोच रहे हैं कि सारा इसको हम कैसे इसका घर बनाए सारा सिस्टम जो है ना इसके अंदर ही रहेगा सोचें भाई सोचें जगह और भी है हमने वो भी देखी वो भी अभी देख लेते हैं जाके और फिर उसके बाद फाइनल करते हैं यानी कि रैबिट आने वाले हैं न्यू एंट्री जो है नेक्स्ट यानी कि संडे मंडे हैं देखो आज हमारे पास पिजन आ गया हमारा सरप्राइज हो गया आज का कितना बड़ा लोगों को दे दिया ठीक है एक आधे दिन में कल या परसों कोई नई चीज फिर ले आएंगे बीवर्स के लिए प्लास्टिक जो पाइप होते हैं मैं सोच रहा था मुझसे बस बात कर रहा था इसका जो प्रमोशन घर बना रहा ना 6 इंच की बड़ी एल्बो 3-4 एल्बो और पाइप लेके जो है ना वो उधर एक मुर्गी है वो आपकी तो नहीं है वो वहाँ फंसी हुई है झाड़ियों के बीच मुर्गी फंस गई है हाँ जी मुर्गी किसी की फंसी है देखें चाचू सुपरमैन जरा भाग के देखें ये मुर्गी फंसी हुई है किधर ढूंढो पहले ये देखिए मेरी नजर पड़ी अचानक किस पे फंसी हुई है ये तो फंसी हुई था ये इसको क्या हो गया ऐसे लग रहा है किसी चीज में हमला किया हुआ है नहीं यार हमारी कहाँ से ये तो जख्मी है बहुत सीरियस ये दे ओए ये लगता किसी बिल्ले शिल्ले ने पकड़ी होगी पक्की बात है लग रही है ये दे कुत्ते ने हमला किया इस पे हाँ किसी बिल्ले शिल्ले ने ना इसको काम रखा ये देखो ऊपर भी डाल लगे हुए हैं ये दे हाँ यार है किसकी है ये तो किसी कुत्ते ने हमला किया है इसके ऊपर बड़ा شدید किस्म का पानी पिलाए को केज में रखते हैं हमारा जो केज है ना मिनी केज उसमें रखते हैं बड़ी सीरियस जख्मी है ये वाली हाँ यार और बच गई है गर्दन अपनी गर्दन इसकी बच गई है ये कितने दिन से इधर होगी देखे हैं पता नहीं कितने दिन या रात से होगी ये कोई आइडिया नहीं है चले उधर रखते हैं यार इसको अचानक नजर पड़ी है मेरी उस पर मैंने आपको बताया कि मुर्गी फंसी हुई है छोड़ा नीचे जरा भाई टांगे शांगे सही है ये क्या कर रही है उसकी वो ऊपर से उतरी हुई ना तो उसको टेंशन हो रही है कलगी सारी उतर गई है ना ये भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा कुछ स्टिचेस लगाने पड़ेंगे या फिर कलगी करना पड़ेगा इसको देखते हैं यहां पर रखें अभी इसको पानी पिलाते हैं इसमें रखें हां ये वाली जगह ये वाली जगह पे रखें पानी पिलाएं इसको पानी पीती है ऐसे नहीं पानी दूसरी तरफ ऐसे इसकी चूंच लगाएंगे ना इसके अंदर ये पी रही है थोड़ा करके चूंच लगा रहे हैं ना यानी कब की प्यासी है ये दे बेचारी के साथ क्या हुआ यार पता नहीं कुत्तों ने पकड़ा या किसको किसने पकड़ा इसको जो है ना कल इसको आधे घंटे तक ना ट्रीटमेंट करते पानी शानी पी लेना ये इसको ट्रीटमेंट करते हैं क्या ख्याल है आपका हाँ बिल्कुल सही इसका ये करना पड़ेगा नहीं तो ये तो कहना मर जाएगी इस तरह अगर इसकी जिंदगी बचने वाली हुई ना तो इंशाल्लाह ये बच जाएगी तो दोस्तों मैं जो इस वक्त जो ना मुर्गी जो हमारी पकड़ी अभी जो वो जाड़ी बूटियों में छुपी हुई थी उसके लिए जो है ना ये हल्दी का पेस्ट बना के तो जनाब दुकान पर तो ये हल्दी का पेस्ट जा रहा है बनगी पेस्ट हाँ ये बनगी इसका ट्रीटमेंट करते हैं ये पता है इनको ये हल्दी तेल लगाने से भी इसका हो जाता है लेकिन इसको हमें ना क्या नाम है ये स्टिच लगाने पड़ेंगे ये चीज ना ये स्टिच लगाने पड़ेंगे देखना ये खा ना जाए यार खानी नहीं इसके सर पे लगाना हमने लगाएं जरा ये नहीं लगता कि ये स्टिचिंग से ठीक होगी उसकी वजह ये है कि ये जिस तरह से ये कट गई है ना हाँ ये इसको उतारना ही पड़ेगा उतारना ही पड़ेगा ऑपरेशन करके ना इसको आधी काटनी पड़ेगी हाँ ये कट जाएगी तो फिर ये ठीक होना है ये ब्लेड ला के ना वो वाला दूसरा एक दफा इसको तकलीफ है लेकिन ये कि ये फिर कुछ बच जाएगी ये जो देखो नीचे तक चला गया हुआ ये सारा अगर हो गया तो इसके बाद ये पॉसिबल नहीं है कि इसका ना ये दोबारा स्टिच होना और ये कहीं रात का इसको जख्मी हुई है तो अब आपको नजर आई है ये जिसकी वजह से आप देखें ना जख्म उसका काफी हद तक जो है ना वो मांद पड़ गया हुआ फ्रेश नहीं है ना हाँ फ्रेश नहीं है जख्मी है हाँ चले आप छोड़ रहे हैं भाई उसी केज में अच्छा मुसा भाई
आपको बड़ी पुरानी बात बताता हूँ, आपकी जो परदादी थी ना, वो क्या नाम है, मेरी नानी लगती थी, ठीक है। तो वो ना आटा गूंद रही थी, आटा गूंदते गूंदते उनकी जो है ना क्या नाम है अंगूठी ना सोने की, वो उस आटे में रह गई थी। उन्होंने वो आटा जो है ना मुर्गियों को डाला। अच्छा। हाँ, मुर्गियों को डाला तो उनको ना फील बाद में हुआ कि 10-15 मिनट बाद यार मेरी अंगूठी कहाँ गया। अच्छा। अंगूठी उनकी यानी कि वो आटे के अंदर मसल मुसल के डाल रही थी। अच्छा। उन्होंने जनाब जाके मुर्गी जो है ना क्या नाम है, उन्होंने शक पड़ा कि यार मैंने मुर्गियों को आटा डाला है, और कहीं जा तो और की जा नहीं सकती। उन्होंने सारी मुर्गियां पकड़ी और उनका जो है ना पोट होता है उसको दबा के ऐसे चेक किया, जो वो पोटा होता है। हाँ, अच्छा, पोटा होता है ना, उस पोट को चेक किया उन्होंने। और जब एक मुर्गी के अंदर वो फील होगी, अब उन्होंने किया क्या किया, एक ब्लेड लिया, ब्लेड से उसका पोट को जो है ना यहाँ से काटा है। अच्छा। मुर्गी जिबानी की, मुर्गी जिबानी की पोट काटा है। पोट काट के तो जनाब अंदर से पूरा पोट खोल के अंदर से अपनी रिंग निकाली, उन्होंने रिंग निकाल के फिर सुई धागा लेके उस पोट को उन्होंने पूरा स्टिच किया ना कर यार। कसम से, आप वो अपनी कहने बड़ी दादी से पूछ, यानी कि मेरी परदादी। हाँ। और आपकी नानी, नानी ने वो उन्होंने स्टिच किया उसको। अच्छा। स्टिच करने के बाद फिर वो ना हफ्ता पूरा जो है ना हल्दी और तेल लगाती रही है, और वो मुर्गी जनाब ऐसे होगी कि बिल्कुल जैसे यानी कि पहले वाली 0 मीटर होगी। यानी कि ये आपने सारी कहानी जो सुनाई है इसके लिए, ये जो हल्दी और तेल वाला जो हमने टोटका इस मुर्गी को भी लगाया। हाँ जी मोहम्मद भाई सुनते हैं आप। नहीं बिल्कुल ठीक है, हल्दी तो बड़े बड़े जख्मों को काट देती है, पता है एंटीबॉडी कैसे एंटीबैक्टीरियल होती है, और उसके बाद एंटी फंगस भी होती है, और इसमें और भी बहुत सारी। किसी बंदे को करंट पड़ जाता है आप ये चीज देखो, तो उसको क्या नाम है वो मिट्टी में दबा के तो हल्दी में दूध डाल के पिलाते हैं या चोटें लग जाए, इसलिए हल्दी के बहुत फायदे हैं। क्या बात है, ये तो रोजमर्रा खाने चाहिए बिल्कुल। लो जी प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज के दिन के लिए हमारा ब्लॉग यानी हम एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे भाई आए हैं बड़े आज स्पेशल फिर हमारे यानी कि मिलने। सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी है जी, असल में ये है कि अगर आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे तो ही हम किसी मकाम पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग है वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये सब उसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि अगर आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर किया करें आगे, और लोगों को भी बताएं, दोस्तों को भी बताएं, जितने भी पेट लवर्स हैं उन सबको बताएं कि जी ये एक चैनल खुला है। क्योंकि अब जो दूसरे चैनल आप देख रहे हैं वो दूसरे शहरों वाले अपने शहर वालों को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, और हम क्योंकि लाहौर से हैं हमें कोई इतना खातर खा जो है ना रिज़ल्ट मिल नहीं रहा, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हमें सब्सक्राइब भी करेंगे और हमारे चैनल को लाइक भी करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे, क्योंकि आप शेयर करेंगे, एक आपका शेयर किया हुआ, एक आपका क्लिक किया हुआ, वो इंशाल्लाह ताला हमें इसके लिए इनक्रेज करता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम ये काम जो कर रहे हैं वो ठीक है और आगे हमें इसको मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए। आपको पता है मोहम्मद भाई लाहौरिये जो होते हैं जिंदा दिल होते हैं, बिल्कुल ये होते हैं, उनको बोलते हैं दिलाने लाहौर है। अभी तक चंद लोहड़ियों ने हमारा चैनल देखा, जब भाई कहते हैं सही लोहड़िया, सही लोहड़ियों ने जब हमारा चैनल देखना शुरू किया ना, तो फिर देखना कि उन्होंने फिर यानी कि चैनल को कैसे कैसे पहुंचा देना। हाँ, ये बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि पाकिस्तान से बाहर भी हमें काफ़ी पजीराई मिल रही है, जिनमें रशिया है, यूक्रेन है, और इंडिया में हमारे बहुत सारे लोग हैं जो साढ़े जनाब सरदार भा ने और सरदार जी लोग ने, कुछ होर इतने अमृतसर के कुछ लोग ने, क्योंकि जब चैनल चलता है तो व्यूज़ आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन कहाँ से देख रहा होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो हमारे सरदार दोस्त हैं वो इस चैनल को बड़ा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली लाहौर सिटी के अंदर रहते हैं, ये साथ हमारे डिफेंस है और उसके अंदर हमने ये छोटा सा गाँव से टाइप का एक माहौल बनाया हुआ है, ये शहर ही लेकिन गाँव का माहौल बनाया, क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं इसलिए पैसे वगैरह भी रखी हुई हैं, साथ ये मिनी जू भी कर रहे हैं ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो जानवरों को दे सके। तो और आपको पता है आप बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर है ये गांव। हाँ जी बिल्कुल जनाब, ये यहाँ से 4 किलोमीटर पे बॉर्डर है, बिल्कुल जी। ठीक है, और 1967 की जंग भी यहाँ पे हुई थी और पेट्स लवर अब यहाँ पे बैठे हुए देखें तो इंडिया वालों से भाई हमें बड़ी उम्मीदें हैं। ठीक है, खास तौर पे जो सरदार भाई ना हमारे सरदार जी, वो क्या नाम है, वो जब किसी से प्यार करना शुरू करते हैं ना तो भाई वो सच्चा प्यार करते हैं। चढ़ दे पंजाब से हमें बड़ी उम्मीदें हैं भाई। ठीक है, पूरे इंडिया से उम्मीद है लेकिन चढ़ दे पंजाब से कुछ ज्यादा है। जेडे साडे सरदार भरा ना चढ़ दे पंजाब तो उन्होंने साडे नु सलाम जी, सत श्री अकाल जी। ठीक है जी, वो कहंदे ने जो बोले सोने हाल सत श्री अकाल। लो जी, ऐ साडे सलाम साडा सरदार भरावां नु, सानू इजाजत दियो साडा अगला ब्लॉग वेखण वास्ते, तुसी साडी यानी कि वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ते अगली वीडियो वास्ते अल्लाह हाफिज़।